हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई जान, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का मुकाबला है आज। आपको पता है पाकिस्तान ने पहले यूएसए से फिर इंडिया से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट तो करवाया अच्छी तरह, और आज में लगता है कनाडा से इनकी बारी है। बाकी लेट्स सी क्या बनता है, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, टॉस का रिजल्ट देखते हैं कि भाई टॉस के रिजल्ट में क्या निकला है। उम्मीद तो कोई नहीं है, पिक कनाडा को किया हुआ है, 70% कनाडा, 30% पाकिस्तान। सो देखते हैं आज आज क्या गुल खिलाते हैं हमारे शहजादे। आज टॉस जीत के भाईजान पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और कनाडा को कहा कि आओ खेलो, आज आप हमें कोई बड़े टारगेट दो। बाकी देखते हैं जी, कल प्रैक्टिस तो भाइयों ने नहीं की, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाइयों के अंदर बहुत है। देखते हैं क्या बनता है, तो देखते हैं क्या स्कोर करते हैं आज। बाकी प्लीज भाई, मैसेज आ गया तो स्टूडियो चलते हैं। और कनाडा ने 2 ओवरों के अंदर 16 स्कोर कर भी लिया, होगा आज भी होगा सॉफ्टवेयर अपडेट। चलते हैं स्टूडियो भाईजान। 20 के ऊपर पहली विकेट गिर चुकी है कनाडा की और आमिर ने आउट कर दिया धारीवाल को 4 स्कोर के ऊपर। 36 के ऊपर भाईजान दूसरी विकेट गिर चुकी है, प्रगत सिंह आउट हो गए हैं 2 स्कोर करके। शाहीन शाह अफरीदी को भी फाइनली विकेट मिल गई है, जिसका वो इतने अच्छे से वेट कर रहे थे। नहीं, बॉल अच्छी थी और वो कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा फखर जमान ने। गुड हो गया, आउट हो गया। फाइनली भाईजान तीसरी विकेट, केटन भाई 43 पे तीसरी विकेट गिर गई है। सात ओवर। ये किसको मिली विकेट? ये आउट है। नहीं नहीं, वैसे बॉलिंग कौन कर रहा था? वो कर रहा है हारिस रो, इतना खा के विकेट तो लिखवा गया रहा। उसके खाते में थोड़ी है ये, जाएगी तो इमाद भाई को जाएगा। लेकिन उसकी थ्रो बहुत अच्छी थी, जो भी बात है। चौथी विकेट 54 के ऊपर हारिस रऊफ को दूसरी विकेट मिली है, पहला विकेट, पहली विकेट, एक रन आउट। 100 विकेट हो गए, 100 विकेट हो गए हारिस रऊफ के लिए। ये तीसरा पाकिस्तान का बॉलर बन गया है। शादाब खान थे, सईद अजमल थे मेरा ख्याल है, और अब ये आया अफरीदी, तो 100 कर नहीं पाया था। अच्छा, ये होनी चाहिए अगर स्पीड। वो 54 के ऊपर 5वीं विकेट ले ली है, दूसरी विकेट अपने लिए हारिस रऊफ की। भाई साहब, अब बड़ा मेहरबानी 70-80 से ऊपर ना जाने देना, जॉनसन अभी भी खेल रहा है। लास्ट बॉल रहती है उसके बाद, फिर इनके पास 60 बॉले रह जाएंगी और अभी तक 54 है। ये मतलब उम्र भी वाली 110-120 पे बात जा रही है। 73 के ऊपर 5 आउट है कनाडा के। जॉनसन भाई ने 50 अपनी कंप्लीट कर ली है और प्रोरा शुरू किया, बीच में कैच भी ड्रॉप हुआ, फखर भाई ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो अभी पड़े हैं 7 ओवर, ये स्कोर कोई 120-130 तक तो जाएगा। प्लीज भी कितना स्कोर जा रहा है? 100 से ऊपर हो गया तो मौत है अपनी। ये मौत तो वैसे भी है, जैसे मर्जी कह लो मौत है ही है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं भाई जान। अभी बात मैं कर ही रहा था और जॉनसन भाई आउट हो गया 52 के ऊपर ही। नसीम शाह को भी पहली विकेट मिल गई है। नसीम शाह ने विकेट लिया भाई जान, 5.41 का रन रेट है कनाडा का। कनाडा की टीम को पता नहीं किस चीज़ का रोग लग गया, 87 के ऊपर 7वीं विकेट भी गिर चुकी है। साद जफर कैप्टन साहब 10 स्कोर करके 21 बॉलों के ऊपर आउट हो गए हैं। आमिर भाई 2 विकेटें सिर्फ 7 स्कोर पे, इनको आज जादू चढ़ा इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के बाद। कनाडा की बैटिंग बाइजान खत्म हो चुकी है 106 के ऊपर ऑल आउट कनाडा। अब पाकिस्तानी टीम आती है, देखते हैं आज रिजवान और साइम ओपन करेंगे, क्या स्कोर करते हैं। साइम अयूब अपनी आदत को बरकरार रखते हुए जल्दी आउट हो गए, जो उनकी आदत है, और बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप लगती हुई नज़र आ रही है। बाबर भाई वैसे तो किसी मैच में चले नहीं, लेकिन आज जो चले हैं तो फिर अब मारने पे हैं। इस टाइम 32 चाहिए 43 बॉल्स के ऊपर और बाबर रिजवान खड़े हैं 75 पे 1 विकेट। तरीफे कर रहे थे 33 के ऊपर 33 करके बाबर आजम ने अल्लाह हाफिज बोल दिया 83 के ऊपर 2री विकेट। उमर भाई आप तो भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तीसरी बार ये शॉट पे आउट हुई। इसको शर्म नहीं आ रही, अब ये टीम का सॉफ्टवेयर अपसेट हो रहा है, अभी भी उनको लग रहा है कि भाई कुछ हो जाएगा। और अच्छा कैच, गुड कैच, कैच मुश्किल होता है जो कि फकर ने छोड़ा था। और ये 3 विकेटें हो गई हैं, देखे ना क्राउड भी थोड़ा सा बू कर रहा है। 16 बॉलों पे 2 स्कोर, 105 पे 3 खिलाड़ी आउट, बन मर के जीत ही गए हैं। चले जी, अब तो मुका दो रिजवान से सिंगल, डबल तो कर ले जी, डबल ले जी, शुक्र ले जी, चल फर्स्ट विन
और अब पाकिस्तान अगेंस्ट माइटी कैनेडा, पाकिस्तान जीत चुका है जी माइटी कैनेडा के अगेंस्ट। वो भी उसमें भी कौन चला है? बाबर और रिजवान।